यह है झिंगुर किसान। इसका स्वभाव निराला है, फालतू का घमंड और हमेशा ख्वाबों की दुनिया में रहता है। जबकि सच तो यह है कि इनके घर में दो वक्त की रोटी के भी लाले हैं। खाना खा ले। रूखी सूखी रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती है। और ये महिला है झिंगुर की पत्नी सत्तो। ऊपर वाले का शुक्र है कि झिंगुर की बीवी सत्तो की वजह से फिलहाल इनके दिन चैन से गुजर रहे हैं। संबुक नहीं लाई? चमेली बुआ के लगे सुलाए के आए। हमका लगत है चमेली बुआ तुम्हारे संबुक का परकाय ले रही है। प्रस्तुत है आज की कहानी मुक्ति मार्ग। अरे तुम्हारी धोती फटी है? बरस भी तो कई हो गए पहनते पहनते। चिंता न करो संभू की माँ, भगवान ने चाहा तो एक दो नहीं कई जोड़ी धोती ला दूंगा। अपने लिए भी नए कपड़े सिलाए लेना। अरे किसान के कपड़े तो उसकी स्वस्थ और जवान बैलों की जोड़ी होती। अपने दोनों बैल बढ़ा गए, अब की बटेसुर के मेले से नई गोई खरीद के लाऊंगा। तीन भीगी फसल कितनी अच्छी हुई है। अगर भगवान ने डांडी तेज कर दी तो चांदी ही चांदी, अगर मौके से मिल गए तो दो भीगे खेत और लिखवा लूंगा। बस बस इतना ऊंचे न उड़ा करो, तनिक धरती पर भी रहा करो शंभू के बाबू। लियो इनमें ऊंचे उड़ने जैसी कौन सी बात हा? अरे अभी से बनिया बक्काल चक्कर लगा रहे हैं, भगवान ने चाहा तो इस बार रुपयों की कमी नहीं रहेगी। फिर वही बात, अरे मन की बात मन में नहीं रख सकते का? अच्छी तरह जानते हो गांव में चार दोस्त हैं तो चार दुश्मन भी। हाँ हाँ मालूम है। अच्छा सुनो, आते वक्त सब्जी के लिए टमाटर लेते आना। वाह भगवान, आपकी हमारी मेहनत तुम स्वार्थ कर दियो। अरे खेतों के बीच से भेड़े लिए कौन चला आ रहा? इतना भी नहीं जानता कि खेतों को रौंदेंगी, इधर उधर मुंह मारेंगी, डांट कौन देगा? तो बुद्धू गडरिया है, बड़ा घमंड हो गया साले को। देख रहा है कि मैं खड़ा हूं फिर भी भेड़े लिए चला आ रहा है। वारी डिठाई, इसने कभी रियायत नहीं की तो मैं क्यों लिहाज करूं? अभी एक भेड़ा मांगूंगा तो अनाप शनाप दाम सुनाएगा। बाजार में कम्बलों के क्या दाम है और ये अपनी हाकेगा। हट 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 हट। अरे ओ बुद्धू, ये रेवर लिए कहां चले आ रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा फसल बर्बाद हो जा रही है? अरे मैं तो डांड पर से गुजर जाएंगी, अरे घूम कर आऊंगा तो कोस भर का चक्कर पड़ेगा। अरे वाह, तुम्हारा चक्कर बचाने के लिए अपना खेत कुचलवाऊं? डांड पर से ही ले जाना है तो किसी और की डांड से क्यों नहीं ले गए? मुझे क्या इतना गया भीता समझा है या फिर बहुत घमंड हो गया है अपने पैसों का? बड़े तो रमखां बने फिरते। चलो लौटाओ अपनी भेड़े। आज इधर से निकल जाने दो, मैं तो फिर कभी इधर से आऊं तो जो चाहे सजा देना। सुना नहीं? हट 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 हट। चलो लौटाओ अपनी भेड़े। कान खोल कर सुन लो, अगर एक भी जानवर मेरे पर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ निकल जाने दो झिंगुर भैया, मैं सबको संभाल कर ले जाऊंगा। हट 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 हट। ए बुद्धू बंद करो ये नौटंकी,
और अपनी भेड़े समेट के चलते बनो, वरना मार मार के तुम्हारी भेड़ों का कचूबा निकाल दूंगा। अरे तुम्हें देखकर और भी सहम गई हैं, जरा सामने से हट जाओ तो सबको निकाल ले जाऊं। अच्छा, मुझे देख के भी दक रही हैं। ठहरो, अभी बताता हूँ। हट 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 सीधी तरह तुम यहां चले जाओ और दोबारा इधर आने की बेवकूफी ना करना। ये तुमने अच्छा नहीं किया झिंगुर, पछताओगे। तुमने ठीक नहीं किया झिंगुर। हाँ भैया झिंगुर, सांप की बांबी में हाथ डाल दिया है तुमने। और क्या, अरे बुद्धू गरड़िया जैसा धूर्त और नंबरी आदमी दूर दूर तक ढूंढे नहीं मिलेगा। अपना तो सत्यानाश कराओगे ही, साथ में पूरे गांव को मुसीबत में डालोगे। और क्या, नहीं तो क्या? अरे जब बुद्धू कह रहा था कि वो दोबारा खेत पर भेड़ों को नहीं लाएगा तो निकल जाने देते। अरे इसमें इतना ताव खाने की क्या जरूरत थी, थोड़ा सा और सबर कर लेते। ठीक कह रहे हो काका, अब तो गलती हो ही गई, लेकिन आंखों के सामने खेत रौंदवा रहा था, देखा नहीं गया। अब जैसे भी हो सुलह सफाई करके मामले को रफे दफे कर डालो। हाँ भैया, मैं तो कहूंगा अभी चले जाओ बुद्धू के पास। ठीक, तुम सब लोग कह रहे हो तो चला जाता हूं, लेकिन इतनी हेठी करा के सर उठा के चल भी सकूंगा मैं? अरे झिंगुर भैया, हम किसानों का कल्याण दबे रहने में ही है, ईश्वर को भी हमारा सिर उठाकर चलना अच्छा नहीं लगता। कुछ विचार ना करो, किसी तरह जाकर उसे मना लो, इसी में हम सब की भलाई है। हाँ झिंगुर भैया। हाँ भैया झिंगुर, मैं तो कहता हूँ झिंगुर भैया अभी चले जाओ तुरंत। हाँ हाँ हाँ, 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 चले हाँ, जाओ भैया। जाओ भैया। अरे किसके खलिहान में आग लग गई, कहीं अपने तो नहीं? अरे ये तो अपने ही खलिहान है, ये भगवान हत्यारे ने आग लगाई थी। अरे हर को बुझा 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 बुझा
पानी लाओ पानी। अरे सारी फसल फसम हुई जा रही है, अरे जल्दी करो, अरे और कुक, अरे बाल्टी ला रहे, अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, अरे आग बुझाओ आग। साला हत्यारा कहीं का। झिंगुर भैया अब तो जो होना तो हो गया। हाँ झिंगुर भैया अब धीरज से काम लो, भगवान पर भरोसा रखो भैया। आ रहो भैया सब ठीक हो जाइए झिंगुर भैया। अरे हो झिंगुरवा, अरे कहाँ कवा नाश पीटा झिंगुरवा, अरे अभी यहाँ बैठे हो वो छुपा के। आओ बुआ बैठो। अरे जुड़ाए गई जाती कल्याण मुकवाए के, हम तो गई रान परले गांव में बिटिया का दया के, हुआ तक आग की लपट दिखाई बढ़ती रहा है, हम सोचा होई कुछ बुलाइया आए के देखा तो सब सत्यानाश हुई गवा। अरे अभी यहाँ बैठे हो मेरा रुके चरवा में मुंह छुपाए के, कहा बड़बड़ लगाए हो चमेली बुआ। अरे ये बुकवाए दिन मारे घमंड के पाव नहीं पड़त रहा है धरती पर, अब जाओ अब जाए के दिखाओ मर्दानगी। वारी भलमन साहब फसल रौंदवाए लो और कुछ कहो ना, गांव के सारे मर्द यहाँ बैठे हैं, उनसे कुछ न कहो, एक आदमी का उपद्रव पूरा गांव देख रहा है। अरे और तुम उल्टा इन्हीं का गरिया रही हो, अरे हम कही थे हिम्मत तो की अन्यायी के खिलाफ खड़े होने की, पूरा गांव चूहा बना बैठा है और बुआ तुम हम ही का कह रही हो। अरे जिसने खलिहान फूका उसके द्वारे जाए के जवान चलाओ तो जाने। मरी है सब मरी है, अरे भूखा न मरी है सूखा न पाला तबा हुआ काल, तेव के मारे न मरे, अरे भले की ईर्षा खाए गई ईर्षा, अरे मरी है। और हम ही बुद्धू तेरा सत्यानाश हो, तूने मेरा सरदार कर लिया, मेरी रातों की नींद छीन लिए, खुद चैन की बंसी बजा रहा है, राम साधे तेरा भी सर्वनाश करके ही दम लूंगा।
राम राम बुद्धू भैया। राम राम। अरे कौन झिंगुर? आओ आओ बैठो। अरे सुसतिया चाय बना के ले आपने चाचा के लिए। काहे तकलीफ कर रहे हो, रहने दे बिटिया। वो बुद्धू भैया का पाव डेढ़ पाव दूध का इंतजाम हो जाया करेगा। शंभू बिल बिलाता रहता है, पैसे की चिंता ना करना, महीने के आखिर साफ हो जाएगा। अरे कैसी बातें करते हो झिंगुर भाई। अरे शंभू जैसे तुम्हारा बेटा वैसे हमारा बेटा। ए बीड़ी पियो। और सुनाओ कैसी कट रही? जानते तो हो, क्या सुनो। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ झिंगुर। सब किस्मत की बात है बुद्धू भैया। कहां खेती किसानी करता था, कहां आप सुतली के कारखाने में मजूरी करनी पड़ रही है। कुछ पता चला झिंगुर आग किसने लगाई थी? क्या पता किसने लगाई, कोई वहां बैठा देख तो रहा नहीं था। अच्छा एक बात बताओ झिंगुर, अगर तुम्हारे खेत में आग लगाने वाला पकड़ में आ जाए तो क्या करोगे? इससे सच बताना। मैं तो यही कहूंगा, अरे भैया जो कुछ किया बहुत अच्छा किया, मेरा घमंड तोड़ दिया, मुझे आदमी बना दिया। भाई शाबाश है तुम्हें, तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो बिना उसका घर फूके चैन से ना बैठता। अरे बुद्धू भैया, चार दिन की जिंदगानी में बैर विरोध बढ़ाने से क्या फायदा, मैं तो बर्बाद हुआ ही, अब उसको बर्बाद करके मुझे क्या मिलेगा। हाँ इंसान का धर्म तो यही कहता है झिंगुर, लेकिन क्रोध में आदमी की बुद्धि उल्टी हो जाती। हाँ सो तो है। अच्छा अब चलूंगा। झिंगुर हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताना। क्यों नहीं तुमसे नहीं कहूंगा बुद्धू भैया, तो और किससे कहूंगा। बुद्धू खूब चर्बी चढ़ रही है, अच्छी भली अपनी खेती किसानी करता था, इसी की वजह से आज मुझे दूसरों के तलवे चाटने पड़ रहे हैं। बुद्धू भैया राम राम। राम राम ढिंगुर भाई, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिए? मजूरी पे जा रहे हैं, बड़े मौके से मिले। वो एक कंबल का इंतजाम हो जाता तो बड़ी मेहरबानी होती, झाड़ा आ रहा है, शंभू जाड़े में ठिठुरने से बच जाएगा। अरे एक क्या, जितने मन चाहे ले जाओ। और बताओ। पैसे की चिंता ना करना, धीरे धीरे अदा कर दूंगा। अच्छा अब चलूं, देर हो जाती है तो ठेकेदार काटने लगता है। हाँ सो तो है। अरे बुद्धू भैया ये तो बहुत पैसा मांग रहे हो, इतना पिछले बरस लिया था उतनी ही पैसा लो ना चराई का। खेत की बुआई का वक्त है, दिन रात खेत में लगेंगे तब कहीं जाकर बुआई की नौबत आएगी। रात दिन हाड़ मास एक करेंगे तब जाकर कहीं फसल तैयार होगी और वो भी बाजार तक पहुंच जाए तो जानो, वरना कब किसकी नजर टेढ़ी हो जाए और सारी फसल सोहा। देखो भाई जो कह दिया सो कह दिया, एक कौड़ी कम नहीं करूंगा, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, समझ में आए तो ले ओ, नहीं तो कोई और ठिकाना ढूंढो। ठीक है कल से भेड़े भेज दूंगा। मैं भी भिजवा दूंगा और साथ में नकदी भी। हाँ हाँ वो तो भेजूंगा ही, और चारा ही क्या है। हाँ तो बुद्धू भैया ठीक दाम लगा लो, दो भेड़े मैं भी ले लूंगा। अब दो लो चाहे दस लो, दाम तो वही रहेंगे। अरे नहीं तो कहीं और देख लो। अब और कहां देखने जाऊं। ठीक है चलो निकाल दो।
अरे ओ सुरसतिया, ओ सुरसतिया। हाँ बाबू। जरा मुसाई का दो भेड़ पसंद करा दो। और राम दीन, तुमसे कहा था खपरों का आवाज लगवाने के लिए थोड़े उपले भिजवा देना। कल भिजवा दूंगा। जरा सुखिया को याद दिला देना, बांस के लिए कहा था। ठीक है, कह दूंगा। बुद्धू भैया, हमारा काम तो हो जाएगा ना? अरे हाँ हाँ हो जाएगा, अरे हो जाएगा। ठीक है भैया, तो चलते हैं। राम राम बुद्धू भैया। राम राम, राम राम। बाबू, आपकी मेला से हमको पायल दिलवा देना। अरे अभी पायल तो क्या, तेरे लिए हार झुमके बेंदा नथनी सभी कुछ तो लेना है। बस कोई लड़का मिल जाए अच्छा सा, तो तेरी शादी करवा दूं गृह प्रवेश के बाद। बाबू जाओ, हम नहीं बोलेंगे। मैं वहां गई बस अड्डे पान खाने, और उस ससुराल वहां छैला बना हमारी तरफ बार बार देख के मुस्कुराए रहा था। अच्छा, साले की ये मजाल। हमने भी कहा मुस्कुराओ बेटा, कितना मुस्कुराओगे। छटाक भर मुस्कुरा कर हमने भी देख लिया। तब तो चित हो गया होगा पट्टा। चित? अरे धीरे धीरे वो मेरी तरफ ही सरकने लगा। हमने भी कहा आओ बेटा, ऐसे बन के खड़ी हो गई जैसे देख ही न रही है। तब तो लिपट ही गया होगा ससुरा। तुम भी कैसी बात करते हो हरियर। अरे बिजली कोई रसगुल्ला नहीं है जो गप से मुंह में धर लिया। वो तो जानता हूँ मेरी रानी। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो हमसे चिपक के खड़ा हो गया, हम चुप रहे। फिर वो बार बार कोहनी मारने लगा, हम कुछ न बोले। फिर उसने सट से मेरा हाथ पकड़ लिया। इधर उसका हाथ पकड़ना था कि दिया तमाचा। अरे 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 अरे, वाह वाह। फिर क्या था, सारी भीड़ इकट्ठा हो गई और दे जूते दे जूते। साला जिंदगी भर आशिकी तो करने सरिया। राम राम हरियर भैया। अरे राम राम, राम राम। आओ 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 झिंगुर भैया आओ। अरे चिड़िया, तेरा चिलम तो पकड़ा दे, देती नहीं कितने दिनों के बाद आया है अपना यार। बैठो भैया बैठो। हाँ सुनाओ क्या हो रहा है। अरे हो क्या रहा है भैया, वो तो देख ही रहे हो, रोज का कुआं खोदना और रोज पानी पीना, और क्या होगा। ले चिलम जलाओ। और कहो आज कैसे फूल पड़े। मजूरी करके लौट रहा था, सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं, बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी ना। चलो अच्छा ही किया, मैं भी सोच रहा तुमसे मिलने के लिए। कोई खास बात? बस ऐसे ही। आजकल यहाँ भाग वाग नहीं होता क्या, कुछ सुनाई नहीं देता। अरे भैया भाग क्या हो, पेट के धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती। तुम कहो तुम्हारी कैसी निभ रही है। क्या सुनाए कैसी निभ रही, नकटा जिया बुरे हवाल। दिन भर मजूरी करता हूँ, तब कहीं घर में चूल्हा जलता है। अरे चांदी तो आजकल बुद्धू की है, रखने को ठौर नहीं। नया घर बन रहा है और भेड़े भी खरीद ली हैं, और अब ग्रह प्रवेश की धूम है, सातों गांव सुपारी जाएगी। भैया जब लक्ष्मी आती है तो आदमी की आंखों में सील आ जाता है, पर उस साले के तो धरती पर पैर ही नहीं टिकते। अरे बोलता है तो ऐंठ कर ही बोलता है। अरे तो का है ना ऐंठ है? है कोई गांव में उसकी टक्कर का? पर यार ये
अनीति देखी नहीं जाती। अगर भगवान दे तो सर झुका के चलना चाहिए, ये नहीं कि अपने बराबर किसी को समझे ना। भैया उसकी डींगे सुनता हूं तो बदन में आग लग जाती है। कल का पानी आज का सेठ चला है हम ही सेठ ने। कल को खेतों में कौए हकाया करता था और आज उसका दिया आसमान में जलता है। अरे ओ बिजुरिया बिजुरिया, अरे ओ बिजुरिया, क्या है जी? अरे बैठो रानी, देखो तुम्हें बिजुरी की रानी है। हाय राम, हमें? हाँ? सच्ची? अरे सराऊ, कितनी बार कहा स्कूल जाकर पढ़ लिखाया कर, क्या सारी जिंदगी मेरी तरह भेड़ बकरिया चराता रहेगा? चल भाग यहाँ से। राम राम बुद्धू भैया। अरे राम राम झिंगुर भाई, राम राम। आज सवेरे सवेरे, अरे ये बछिया कहाँ लिए जा रहे? तुम्हारे पास आया था। मेरे पास? हाँ, ये विनती करने कि अपने रेवड़ के साथ मेरी बछिया भी चरा लाया करो। दिन भर खूंटे से बंधी रहती बेचारी, न घास न चारा, क्या खिलाऊं? देखो झिंगुर भैया, अब गाय भैंस तो मैं चराता नहीं, अरे तुम इन चमड़ा खोरों को तो जानते ही हो। इस हर हरवे के बच्चे ने मेरी दो गौवे मार डाली, जाने क्या खिला देता है। तब से भैया कान पकड़े, गाय भैंस नहीं पालूंगा। खैर तुम्हारी तो एक ही बछिया है, इसका कोई क्या करेगा, छोड़ दो, मैं इसे चरा लाया करूंगा। तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान की कौन बात है झिंगुर भैया, आदमी ही आदमी काम आता है। अच्छा अब चलूंगा, मजूरी पर जाना। अरे सुनो, परसों गृह प्रवेश है, नया मकान बनवाया है ना। अच्छा, अच्छा। देखो वहाँ पर सत्यनारायण की कथा और ब्रह्म भोज भी होगा, खाना पीना सब यही होगा। अरे वाह, तब तो बड़ा आनंद है। मेरी तो यही दुआ है कि दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, जरूर आऊंगा। ओम श्री गणेशाय नमः। मुनि से तथा विद्याभूषण 88,000 वृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है, इस युग में भगवान की जय। हमें भी प्रसाद दो बुद्धू राम, कब से लाइन लगाए हम भी तो खड़े हैं। तो सतिया, अरे मौसी प्रसाद दे। लो ये लो, चरणामृत ले। आप सब लोग भोजन करके जाइएगा, पहले ब्राह्मण देवता भोजन करेंगे, बाद में आप लोग भोजन करिएगा। ठीक है भैया, ठीक है। अरे भाई
भोजन में तो आनंद आ गया, क्यों भाई? ये लो पंडित जी दक्षिणा। कल्याण हो बुद्धू, कल्याण हो। ये लो पंडित जी, खूब तरक्की करो बुद्धू भैया। देवी मैया खूब कल्याण करे। अरे बुद्धू, दक्षिणा में अगर एक भेड़ मिल जाती तो आनंद आ जाता। पंडित जी, पंडिताई छोड़ के भेड़े चराओगे क्या? भाई अगर महाराज की यही इच्छा है तो ये भी पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बुद्धू भैया तो आजकल राजा भोज हो रहे हैं। ओ भैया, ओ बुद्धू भैया, अरे हुआ बाड़े में बछिया मरी पड़ी है। क्या बछिया मरी पड़ी है? बछिया मरी पड़ी है। अरे भले आदमी, कम से कम उस पघैया तो खोल देते। बछिया? हाय हाय, बछिया तो मेरी ही थी, मैंने दी थी बुद्धू भैया को अपनी भेड़ों के साथ चराने के लिए। हाय हाय हाय, मेरी बछिया, मेरी बछिया। और नर छिया मरी। राम 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 राम। तुमने उसके गले में पघैया कब डाल दी भैया? मैं तो सुबह से यहीं लगा हूँ, पघैया की कौन कहे, मैं तो बाड़े के पास तक नहीं गया। जरा ठीक से याद करो, भूल तो नहीं गए? हे भगवान, मरी तो बुद्धू के बाड़े में ही ना, दुनिया तो यही समझेगी कि बुद्धू की लापरवाही से बचिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या किसी ने लगाई हो, इससे क्या, क्यों सीताराम जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तो ताराम एकदम कह लो भैया, बिल्कुल ठीक। अरे बुद्धू, कल शाम तुम भेड़ों में बचिया नहीं बांध रहे थे क्या? क्यों बिछड़ी? और क्या, यही तो थे। कौन, मैं? और क्या, कंधे पे लाठी रखे तुम बछिया नहीं बांध रहे थे? अबे हरिश्चंद्र की औलाद, तूने मुझे देखा था बछिया बांधते हुए? अरे तो मुझ पर क्यों बिगड़ते हो, नहीं बांधी तो नहीं सही। अब गो हत्या का प्रायश्चित तो भुगतना ही होगा वो तो। जाने दे महाराज, अब कोई जान बूझ के तो बुद्धू ने ये सब किया नहीं। अरे झिंगुर, तू अपना ज्ञान ना बगार, गौ हत्या इसी तरह से लगती है, कोई जानबूझ करके गौ हत्या नहीं करता। क्यों? जोखिम का काम तो है ही गौओं को बांधना और खोलना, शास्त्रों में इसे महापाप कहा गया है। गौ हत्या ब्रह्म हत्या से कम नहीं है। बिल्कुल सो तो ठीक है महाराज, अब तो चूक हो ही गई, कुछ ऐसा उपाय करिए कि सस्ते में ही निपट जाए बेचारा। क्या कूटनीत खेल है साला, जबरदस्ती हत्या मेरे सर मड़ी जा रही है। भला कहूं, बछिया मैंने नहीं बांधी थी, पर कौन सुनेगा मेरी। ठीक है, चलिए बताइए आप इनको। सुनो बुद्धू, हम पंडितों ने शास्त्रों के अनुसार विचार करके ये तय किया है कि गौ हत्या के प्रायश्चित स्वरूप तुम्हें 3 माह का भिक्षा दंड, 7 तीर्थ स्थानों की यात्रा, 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गऊओं को दान करना होगा। ऐसा गजब न करे पंडित जी, ऐसा गजब न करे, अरे मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आप तो जानते हैं मैं सुबह से आप लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, मैं निर्दोष हूँ पंडित जी, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब इसमें बहस और साफ सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है बुद्धू, दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। कुछ तो दया करे महाराज, कुछ बेकसूर को बिना किसी पाप के किस बात की सजा दे रहे हैं आप। हे ब्राह्मण देवता, मेरे बाबू को इतनी कड़ी सजा मत दो। ठीक है, भिक्षा दंड 3 माह की बजाय 2 माह का हो जाएगा, इससे कम में प्रायश्चित ना हो पाएगा। चलो सुनिए पंडित जी, 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 मैं निर्दोष हूँ। हमें छोड़ के मत जाओ बाबू, हमें छोड़ के मत जाओ। तो रोकर मुझे कमजोर मत बनाओ सुरसतिया, प्रायश्चित तो भुगतना ही पड़ेगा ना, महीने 2 महीने की बात है, भेड़ों का ध्यान रखना, छोटू की देखभाल करना, अच्छी खर तुम्हारे जिम्मे है बेटा, तुम्हारे जिम्मे है।
हमें छोड़ के मत जाओ बाबू, मत जाओ हमें छोड़कर, मत जाओ हमें छोड़कर, हमें छोड़कर मत जाओ बाबू। बहु की बाछी दिया बनवार भिखारे भिखारे की बाछी दिया बनवार भिखारे लाई भिखारे बाछी दिया बनवास दिखा दे भाई, दिखा दे गौ की बाछी। बड़ी जल्दी आ गए आज। कारखाना बंद हो गया। क्या? कारखाना बंद हो गया? मालिक ने सुतले का काम बंद कर दिया, प्लास्टिक का काम शुरू कर दिया। अरे तो भैया वहां भी तो आदमियों की जरूरत होगी। आदमियों का काम अब मशीनें करेंगी। गाय की बाछी दिया बनवास भिखा दे दे माए भिखा दे दे। अरे ये क्या स्वांग कर रही है? अरे वो बुद्धू राम आ गया है 2 महीने का भिक्षा दंड भुगत के। 2 महीने कितनी जल्दी बीत गए। अभी 7 तीर्थों की यात्रा बाकी है, 500 ब्राह्मणों का भोजन और 5 गायों का दान। वाह रे ब्राह्मण देवता, क्या विधि विधान बनाया है। वो बेचारा तीर्थ यात्रा के लिए कर्जा मांगता फिर रहा है और कोई महाजन है कि कर्जा देने को तैयार ही नहीं। क्यों? अरे भेड़ों का क्या भरोसा, अगर कोई बीमारी उमारी लग जाए तो पैसा डूब जाएगा ना, कौन देगा कर्जा। अरे तो बेच दे किसी बूचड़ के हाथ, खुशी खुशी ले जाएगा। ये लो बुद्धू भैया, अब इससे ज्यादा एक पाई भी नहीं दे सकूंगा। ठीक है भैया, मरता क्या ना करता, इन भेड़ों को मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, आज कसाई के हाथों बेचना पड़ रहा। सब किस्मत की बात, सब किस्मत की बात है भैया। ले जाओ इनको। चल करीम, ले चल। क्या कर रहे हो बाबू, भेड़ों को बूचड़ खाने भेज रहे हो। मैं नहीं जाने दूंगी अपनी भेड़ों को, मैं नहीं जाने दूंगी। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। अरे मेरी भी छाती फटती है, क्या करूं, मजबूरी है। गौ हत्या का प्रायश्चित तो पूरा करना ही है ना। तू कहती थी ना छोटू से भेड़े नहीं संभलती, लोग चुरा ले जाते हैं, मारकर खा जाते हैं। महीने 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर चला गया तो एक भेड़ भी ना बचेगी। चुप हो जा बेटी, सीने पर पत्थर रख ले। कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, कोई कर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है। इन पैसों से तीर्थ यात्रा भी कराऊंगा और बाकी से ब्रह्म भोज भी निपट जाएगा। प्रायश्चित पूरा नहीं हुआ ना बेटी तो गांव वाले जीने नहीं देंगे, जीने नहीं देंगे। ले जाओ, ले जाओ भैया, ले जाओ। चल करीम, ले चल।
सुनो, अब यहाँ बैठ के गुट्टी तोड़ो, जितना कहा जाए उतना ही किया करो। अरे अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, बैठो तोड़ो गुट्टी। अरे बुद्धू भैया, तुम को हत्या के कलंक से तो उबर गया, पर बाल बच्चों के लिए जुगाड़ तो करना ही है ना। अपना भी वही हाल। तो क्या गांव से रोज आते हो? नहीं, सातवें दिन जब मजूरी मिलती है तो गांव चला जाता हूँ। और हाँ, मेरे साथ रहना, हमने अपने यहाँ एक मड़िया कर ली है। ठीक ठीक है जी। मैं तो दोपहर में चबेना चबा लेता था और शाम को सत्तू खा के सो जाता था। कौन झंझट करे। लो बन गया तवा। गांव से थोड़ा आटा पिसवा लाया था, शहर में बड़ा महंगा मिलता है। आज बहुत दिनों बाद रोटियां खाऊंगा। तुम मेरे हाथ की बनी रोटी तो खाओगे नहीं, इसलिए वो मैं देता हूँ, सेक तुम लेना। अरे अब परदेश में हम लोग ईंट गारा ढो रहे हैं, मंजूरी कर रहे हैं, अब कौन देखने आता है कि किसके हाथ का खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये कोई गांव तो है नहीं। नहीं भाई, सेको तुम ही। ठीक है ले लो। पानी ला। तुम्हें पता है तुम्हारी ईख में आग मैंने ही लगाई थी। मैंने और हरिहर ने मिलके बसिया मारने की योजना बनाई थी। बिजली ने उसे जहर दिया और पगैया गले में डाल दी। मुझे मालूम। देखते रहिए हमारा चैनल सुनील बत्ता फिल्म्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि बहुत कुछ अभी है जो आप तक पहुंचने वाला है।